नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जो कैंप लगा है उसके अंदर हूँ और यहाँ डीजी और रसशास्त्र से डॉक्टर दीपा है हमारे पास, जो आज हमें बहुत सी रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, किस किस के बारे में आप बताएंगे? जी पालक बनाया है जी, लौकी पाक बनाया है जी, मेथी की खट्टी मीठी लौकी बनाई है जी, इधर हम लोगों ने जो आगरे के पिट्ठा होता है उसके लड्डू बनाए हैं क्योंकि अंडा से काम करता है अच्छा, और इधर हमने दाल मखानी की चाट बनाई जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो एंटी एनीमिक जो आपने उपमा बनाया है उसमें आप कैसे क्या क्या सामग्री हम यूज कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं? जो है उसके अंदर डाइट में हमें सूजी लेना है, सबसे पहले दही लेना है, दही के अंदर सूजी और सेवन नमक को मिक्स करके रखना है। ओवरनाइट सोक होने के बाद वो मॉर्निंग में हमें ये सारी जो इन्ग्रीडियंट्स हैं आपकी जो मिठाई है इनको चॉप करना है और उस बैटर के अंदर मिक्स कर देना है। अच्छे से उसे मिक्स करने के बाद वो घृत के अंदर उसको सेकना है, जैसे उपमा को सेकना है, तो फाइनली ये रेडी हो जाता है जी। उसके अलावा सेकंड जो है अपना अमरसला जी सर, इसको ये सर कैरी को सबसे पहले बॉईल कर लिया है, देन उसको अच्छे से मैश करके उसका जो पल पार्ट होता है उसको अच्छे से मैश कर लिया, देन उसको मिक्सी में और इक्वलाइज करने के लिए उसमें पानी मिलाकर उसको और अच्छे से मैश करके देन उसमें अगेन उसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग उसमें हमने वाटर और ऐड कर दिया, देन उसके अंदर काला नमक, काली मिर्ची और थोड़ा सा मिंट ये इसमें हमने ऐड किया जी। डॉक्टर साहब थैंक यू। और सेकेंड जो अपना है आनंदमय भोज, एक्चुअली ये हमारा पूरा थीम है आनंदमय भोज। अच्छा अच्छा, एंटी एनेमिक, एंटी डायबिटिक, न्यूट्रिशियस जी जी। अच्छा, आनंदमय भोज इसको पूरे को नाम दिया जी। अभी दाना में थी, किसने बनाया? एंटी एसिड लड्डू। ये एंटी एसिड लड्डू मेरे बने हुए हैं। एंटी एसिड लड्डू जो है कि जैसे कि हम जानते हैं कि एसिडिटी के लिए आगरे का पीठा बहुत अच्छा बताया गया है, गुलाब की पत्तियाँ, गुलाब अर्क जिसे हम निकालने का तरीका कहते हैं उसके उपयोग बताया गया, तो इस लड्डू को हम लोगों ने आगरे के पीठे को कद्दूकस करके साथ में नारियल का पूरा मिला करके कुछ गुलाब अर्क हम के उसमें बूंदे मिलाते हैं और फिर अच्छे से बाइंड कर देते हैं, साथ में इसे काजू के साथ तीज न्यूट्रिशियस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस लड्डू का अगर आपने दो लड्डू भी आपने रोज अर्ली मॉर्निंग खाए तो यकीनन आपको एसिडिटी की समस्या से बिल्कुल निजात मिल ही जाएगा। और ये है दाना मेथी की खट्टी मीठी लौंजी। जैसे कि हम जानते हैं कि दाना मेथी जो है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन दाना मेथी बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, तो इसे टेस्टी बनाने के लिए हम इसे खट्टी मीठी लौंजी बनाते हैं। इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये आप इसे प्रिजर्व करके आराम से 5 से 7 दिन तक रख सकते हैं और आप इसे एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल सब्जी रोटी के साथ अचार लेते हैं, उसके बजाय अगर आप ये दाना मेथी खट्टी मीठी लौंजी लेंगे तो ये डायबिटीज़ के लिए आपको बहुत अच्छा काम करेगा जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और अभी मैं आपको डॉक्टर संदीप सर से मिलाऊंगा जिन्होंने अभी ये सभी जानकारियाँ सुनी और उन्हें भी अपने को कुछ बताना चाहेंगे। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू सर, सही में आज इस आगर मेला और आयुष एक्सपो में आगे बहुत अच्छा लगा, और ये जो स्टॉल आज राधा कृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने लगाया, डॉक्टर दीपा पूरी टीम, डॉक्टर करिश्मा सारी टीम है, और बहुत अच्छा लगा सर उससे मिलकर। और सही में ऐसा होना चाहिए, ये जो फूड है प्रमोट करना चाहिए ताकि हम अपने घर में भी इस खाने को इस्तेमाल कर सकें। तो इसी तीसरी बात है, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो आज हम देखे पूरे दिन में कि हम कितने पूरे दिन में क्या खा रहे हैं और क्या सही में क्या वो खाना हमें प्राण दे सकता है, तो हमें हमेशा वो भोजन करना चाहिए जो हमें प्राण दे सकता है या हमें न्यूट्रिशन दे सकता है। तो बहुत अच्छा लगा पूरी टीम से मिलकर, और डॉक्टर शुक्ला जी, डॉक्टर शुक्ला जी मेरे टीचर रहे हैं, उनसे मैं पढ़ा हूँ तब तक से, मेरे भी रहे हैं सर। आपके तो प्रिंसिपल रहे हैं, मेरे तो टीचर थे ना, तो डॉक्टर शुक्ला जी से बात हुई तो बड़ा आपके बारे में बताया अच्छा लगा। तो सही में बहुत अच्छा इन्हें वो है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, और मैं उम्मीद करूँगा सभी टीम से कि वो भी इसको ज़्यादा जी सर। थैंक यू।